ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दृढ़ता। पार्ट 7। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ, यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है, ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, एक सेकंड में सुख पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते, सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है, तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा। लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है, विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो, इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना,
अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अव्यक्त वाणी, 14 अप्रैल 1994। दृढ़ प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है? करेंगे? डरेंगे तो नहीं? तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। अव्यक्त वाणी, 31 दिसंबर 1994। कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है। मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बंट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो
लेकिन दृढ़ता की शक्ति बढ़ने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। अव्यक्तवाणी 22 दिसंबर 1995। उमंग उत्साह के साथ दृढ़ संकल्प करो। सब ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हों। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आ करके दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? दिल शिकस्त तो नहीं होंगे, फिर बाप को मेहनत करनी पड़े, फिर बड़े बड़े पत्र लिखना शुरू कर देंगे, बाबा क्या हो गया, ऐसा हो गया, बाबा बचाओ बचाओ। ऐसे नहीं कहना, देखो आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं कि हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 1996। जहां दृढ़ता और सहन शक्ति है वहां जो चाहे वो कर सकते हैं। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता, मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना, उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो, माया आपके आगे क्या है, चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए, जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे
माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो, युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है आपकी कमजोरी, भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या, खुराक और खजाना, और क्या चाहिए। तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है। खुशी का खजाना अखुट है, अखुट है ना, और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है। सहज है या कभी कभी मुश्किल है, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी, खेल, और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। अव्यक्त वाणी, 23 फरवरी 1997। संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8
लड़ियों की माला बनाए ना, जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं, पता नहीं, नहीं करना, पता कर लिया, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना, हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजें? नहीं, डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो? माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी, आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती, क्या करें? तो माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना, जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वह लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं, दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे, हमारा नंबर आएगा या नहीं, पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ियों की माला बना देंगे, इसलिए आप यह चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, यह बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना, एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है, आप जरूर आएंगे। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 1997। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। यह वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना, संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी।
सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पाव मजबूत रखना। तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है, और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वह गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, माया से निर्भय बनो, संबंध में तो स्नेह और निर्माण। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो।
निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 1997। दृढ़ निश्चय है को अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है। और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 1998। दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। ना वैभव में लगाव रहा, ना बच्चों में। सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1999। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना। जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं, सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया।
बाप दादा का प्यार है ना, तो ज़रा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखने चाहते हैं। अव्यक्त वाणी, 13 फरवरी 1999। हिम्मत रखने से, दृढ़ संकल्प करने से सब अच्छा हो जाता है। मेजॉरिटी तो उमंग उत्साह में है, बाकी जिन्होंने कोशिश में हाथ उठाया वह भी राइट है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, हिम्मत रखने से, दृढ़ संकल्प करने से सब अच्छा हो जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान बन, अगर संकल्प करो तो क्या नहीं कर सकते हो। जब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो तो क्या अपने को नहीं कर सकते हो। इसलिए जिन्होंने हाँ की है उनको बाप दादा यही कहते हैं कि सदा यह संकल्प अमृत वेले इमर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना ही है, और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद यह दृढ़ संकल्प रिवाइज करो कि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। तो इससे कोशिश करने के बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। बाकी बाप दादा सभी बच्चों के रिजल्ट को देख खुश तो सदा है ही, फिर भी हिम्मत के ऊपर विशेष मुबारक दे रहे हैं। 3 मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपने उमंग उत्साह से किया तो, मजबूरी से किया, 3 मास पास करने हैं, फिर तो सदा काल का नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के लिए अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा? अव्यक्त वाणी, 15 मार्च 1999। करना ही है, यह है दृढ़ता। बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए, ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे, गे गे नहीं करो। करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को
कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबर वार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। अव्यक्त वाणी, 30th November 1999। दृढ़ संकल्प के बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अव्यक्त वाणी, 31st December 1999। एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं, तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं,
हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉन्ड देंगे। परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ, आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी, 18 जनवरी 2000। दृढ़ संकल्प द्वारा किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो। मुबारक है, देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता, फिर और चाहिए क्या। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे, कोई बहुत सुंदर फल, लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दे दिया है। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो, समझ में आता है यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो। और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे, मंजूर है, पसंद है, पसंद है या करना ही है। पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। वह हाथ उठाओ, करना ही है, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ देके चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ समा ली, दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला। देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है। अव्यक्त वाणी, 15 दिसंबर 2004। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता
सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। बाप दादा, आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो, तो मेरे के मालिकपन शक्तियों की लगान से विजय प्राप्त करो। इस छोटे वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है, योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। अव्यक्त वाणी, 18 जनवरी 2005। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है, वह तो परवश है अपवित्रता से, लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो? कि व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो? बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना? सीखा है प्रतिज्ञा और दृढ़ता। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है, लेनी है। है प्रतिज्ञा, हिम्मत है। जिसमें हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे, दुआ देंगे। वह हाथ उठाओ, पक्का, पक्का, कच्चा नहीं होना, कच्चे बनेंगे ना? तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, सभी के पास चाबी है। है चाबी, चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं, इमर्ज, इमर्ज करो। मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही बड़ा है। इसको कहा जाता है
निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो, छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते कि बाप हमारे कंबाइंड है कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। अव्यक्त वाणी 25 मार्च 2005। खुद दृढ़ बनो और दूसरों को दृढ़ बनाओ। अनुभव की अथॉरिटी बन, अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह, अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो, ना औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, मन नाचने लगे खुशी में। सुना, क्या करना है? देखेंगे रिजल्ट, किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे। भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना? करना ही है ना? बाप दादा भी क्यों कहें कि करेंगे, नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। अव्यक्त वाणी 25 मार्च 2005। ओम शांति।